हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ यहाँ पर आईपीएल 2020 स्टार्ट होने में अब कुछ ही महीने का टाइम बच गया है, और ऐसे में इस वीडियो में मैं आपके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड दो काफ़ी बड़ी अपडेट्स लेके आया हूँ, जहाँ पर इन दोनों ही टीमों ने काफ़ी बड़े बड़े बदलाव अपने टीम मैनेजमेंट में कर दिए और यहाँ पर कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ये टीमें ले चुकी हैं। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ बने रहना होगा बिल्कुल लास्ट तक, और उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अपडेट नंबर वन की, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। अब केकेआर ने आईपीएल 2020 के सीजन के लिए अपने टीम मैनेजमेंट में काफी सारे चेंजेस किए थे, जहां पर सबसे बड़ा चेंज तो हमें इनके हेड कोचिंग स्टाफ में ही देखने को मिल गया था, जिसमें जैक कैलिस को यहां पर काफी साल की सर्विस के बाद इन्होंने अपने कोचिंग के जो डिपार्टमेंट होता है उसे रिमूव कर दिया था, और उनकी जगह यहां पर जो नई कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो दी गई थी ब्रेंडन मैकलम को, जो कि पहले भी इस टीम के साथ यहां पर जुड़े रह चुके हैं। और इसके साथ ही ऑक्शन में हमने देखा भी था कि ब्रेंडन मैकलम के आ जाने की वजह से ऑक्शन में भी वो बैठे हुए थे, और उनके डिसीजंस की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहां पर काफी अच्छी टीम तैयार कर ली है। और अगर मैं ये बोलूं कि केकेआर की टीम यहां पर आईपीएल 2020 से पहले वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीम्स में से एक नजर आ रही है, तो वो कहना यहां पर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इसी कड़ी में केकेआर ने यहां पर एक और चेंज कर दिया अपने टीम मैनेजमेंट में, जिसमें अपनी टीम के फील्डिंग कोच के तौर पर उन्होंने टीम में शामिल कर लिया है जेम्स फॉस्टर को। अगर मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो इंग्लैंड की टीम से पहले खेलते थे और वहां पर विकेटकीपर बैट्समैन रह चुके हैं, और अभी 39 साल के हैं। तो ऐसे में केकेआर ने इनको फील्डिंग कोच की तरह अपॉइंट किया है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड के किसी प्लेयर को लाने का मतलब यही है कि थोड़ी सी जो फील्डिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें यहां पर केकेआर को और ज्यादा अच्छा किस तरह से किया जा सके, उसको यहां पर किस तरह से और ज्यादा सुधारा जा सके, यही हमें देखने को मिलेगा आईपीएल 2020 में। बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट की, जो कि निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर आप राजस्थान के फैन हो तो। गाइज अब हमें पता है कि यहां पर एल्बो इंजरी की वजह से जोफ्रा आर्चर बाहर हो चुके हैं आईपीएल 2020 से, और पूरे सीजन के लिए वो बाहर हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहले कुछ मैचेस के लिए वो बाहर हुए हैं, पूरे सीजन से जोफ्रा आर्चर हमें बाहर होते हुए नजर आ चुके हैं। अब इसके बारे में इंग्लैंड का मैनेजमेंट तो क्लियर कर चुका है कि आर्चर आईपीएल नहीं खेलेंगे, लेकिन क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अगर इतना बड़ा प्लेयर आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले ही बाहर हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर आप उनके सपोर्टर हो या फिर आप उनके टीम मैनेजमेंट में हो या फिर किसी भी तरीके से अगर आप टीम के इंटरनल मैटर से जुड़े हुए हो, तो आपका मन मानता नहीं है ऐसी बड़ी बात। तो यही सेम चीज हमें राजस्थान रॉयल्स के साथ भी देखने को मिल रही है, जहां पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहां पर जोफ्रा आर्चर बाहर हो चुके हैं आईपीएल से, और उनकी साइड से स्टेटमेंट यही आई है कि अभी हम कोई भी रिप्लेसमेंट या फिर कोई भी एक्सचेंज की ओर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए और जोफ्रा आर्चर हमारी टीम में वापस आ जाए खेलने के लिए। अब गाइस ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि आर्चर बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान के लिए वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो राजस्थान ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, और अगर देखना होगा कि आर्चर किस तरह से रिकवर करते हैं। हालांकि ऐसे होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा ही कम है, लेकिन अगर राजस्थान स्टिल होपफुल है तो हम भी होपफुल रह सकते हैं कि आर्चर यहां पर खेलते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जल्दी से जल्दी यहां पर बीसीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट आरआर को घोषित करनी पड़ सकती है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से आईपीएल 2020 का टाइटल कौन सी टीम जीत सकती है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।